उत्तर प्रदेश के जनपद बांदा में रविवार को विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा ग्राम लामा से गौ संरक्षण अभियान के लिए सभी ग्राम वासियों को जागरूक किया गया। इस मौके पर सभी ग्राम वासियों से अपील की गई कि अपने अपने गोवंश को बांध लें ताकि किसानों की फसल बर्बाद ना हो। ग्राम प्रधान विनोद कुमार वर्मा के द्वारा बताया गया कि अगर कोई ग्रामवासी अपने गोवंश को संरक्षित नहीं करता तो उनको चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ग्राम सचिव श्रीमती पुष्पांजलि पाठक के द्वारा बताया गया कि अगर ग्रामवासी संरक्षण अभियान का सहयोग नहीं करता तो उनको चिन्हित करके जिला प्रशासन को अवगत कराया जाएगा और उचित कार्रवाई कराई जाएगी। जिलाध्यक्ष महेश कुमार प्रजापति ने बताया कि विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा पूरे जिले में इस अभियान को लागू किया जाएगा। बांदा से प्रभंजन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। जी आज किस तरह का अभियान चलाया है? ये अभियान हमारे विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा हमने ग्राम तिंदवारा से ये अभियान स्टार्ट किया गया था। गौ संरक्षण अभियान जो ये आज दूसरा गाँव हमारा लामा है, जो लामा गाँव में आज गौ संरक्षण अभियान चलाकर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ग्राम चिकित्सा अधिकारी सब मौके उपस्थित रहे। पूरे गांव में भ्रमण किया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि अपने अपने गायों को बांध लें, बाहर मत छोड़े। अगर जो ग्राम प्रधान जो नाम चिन्हित करके जिला प्रशासन अवगत कराएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा अभियान चलाकर हमारे विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति जिले में प्रत्येक गाँव में प्रत्येक कार्यकर्ता पहुँच रहा है और इस अभियान में सहयोग मिल रहा है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। किस पद पर है? ग्राम प्रधान लामा। किस तरह का आज ये भ्रमण किया गया? आज भ्रमण में जो हमारे ग्रामवासी हैं जो अपने अपने गांव का दूध निकाल लेते हैं और गांव को छोड़ देते हैं, नकल देते हैं, उनको जागरूक करने के लिए अभियान निकाला गया कि सब लोग अपने अपने गांव को बांध के रखें। अगर गाय को बांधते हैं तो सरकार की ओर से प्रति गाय 900 रुपये महीने का दिया जाएगा और अगर नहीं बांधते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। क्या नाम है सर? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। किस पद पर है? ग्राम प्रधान लामा। किस तरह का आज ये भ्रमण किया गया? आज भ्रमण में जो हमारे ग्रामवासी हैं जो अपने अपने गांव का दूध निकाल लेते हैं और गांव को छोड़ देते हैं, नकल देते हैं, उनको जागरूक करने के लिए अभियान निकाला गया कि सब लोग अपने अपने गाय को बांध के रखें। अगर गाय को बांधते हैं तो सरकार की ओर से प्रति गाय 900 रुपये महीने का दिया जाएगा और अगर नहीं बांधते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी आज किस तरह का अभियान चलाया है? ये अभियान हमारे विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा हमने ग्राम तिंदवारा से ये अभियान स्टार्ट किया गया था। गौ संरक्षण अभियान जो ये आज दूसरा गांव हमारा लामा है, जो लामा गांव में आज गौ संरक्षण अभियान चलाकर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ग्राम चिकित्सा अधिकारी सब मौके उपस्थित रहे। पूरे गांव में भ्रमण किया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि अपने अपने गायों को बांध लें, बाहर मत छोड़े। जो ग्राम प्रधान जो नाम चिन्हित करके जिला प्रशासन अवगत कराएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा अभियान चलाकर आज विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति जिले में प्रत्येक गांव में प्रत्येक कार्यकर्ता पहुँच रहा है और इस अभियान में सहयोग मिल रहा है। नाम? मेरा नाम विनोद कुमार वर्मा है। किस पद पर हैं आप? ग्राम प्रधान लामा। किस तरह का आज भ्रमण किया गया? आज भ्रमण में जो हमारे ग्रामवासी हैं जो अपने अपने गाँव का दूध निकाल लेते हैं और गाँव को छोड़ देते हैं, नकल देते हैं, उनको जागरूक करने के लिए अभियान निकाला गया कि सब लोग अपने अपने गाय को बांध के रखें। अगर गाय को बांधते हैं तो सरकार की ओर से प्रति गाय 900 रुपये महीने का दिया जाएगा और अगर नहीं बांधते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। जी आज किस तरह का अभियान चलाया है? ये अभियान हमारे विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति के द्वारा हमने ग्राम तिंदवारा से ये अभियान स्टार्ट किया गया था। गौ संरक्षण अभियान जो ये आज दूसरा गांव हमारा लामा है, जो लामा गांव में आज गौ संरक्षण अभियान चलाकर ग्राम प्रधान, ग्राम सचिव और ग्राम चिकित्सा अधिकारी सब मौके उपस्थित रहे। पूरे गाँव में भ्रमण किया गया, अनाउंसमेंट किया गया कि अपने अपने गायों को बांध लें, बाहर मत छोड़े। जो ग्राम प्रधान जो नाम चिन्हित करके जिला प्रशासन अवगत कराएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ऐसा अभियान चलाकर हमारे विश्व हिंदू महासंघ गौरक्षा समिति जिले में प्रत्येक गांव में प्रत्येक कार्यकर्ता पहुंच रहा है और इस अभियान में सहयोग मिल रहा है।